नमस्कार दोस्तों, आपका कब कैसे में स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे आइसक्रीम और आइसक्रीम कोन की खोज कब और किसने की, साथ में जानेंगे इससे जुड़े रोचक तथ्य, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइसक्रीम कोन की। जब इटालो मार्सियोनी इटली से अमेरिका पहुंचे और उन्होंने वॉल स्ट्रीट पर आइसक्रीम बेची, तब आइसक्रीम ग्लास में बेचनी पड़ती थी। जो ग्राहक ग्लास अपने पास रख लेते या ग्लास टूट जाते या फिर धोने पड़ते थे, तब मार्सियोनी को आइसक्रीम कोन बनाने की प्रेरणा मिली जो आइसक्रीम के साथ साथ खा सकते थे। इससे ना तो ग्लास धोने की धुलाई बच जाती थी, ना ही कचरा होगा। जब 1904 में आइसक्रीम कोन का आविष्कार हुआ, तब ग्लास की जगह वेपर के कोन ने ले ली और तब ग्राहकों को आइसक्रीम के साथ साथ इसे खाने का भी आग्रह करना पड़ता था। इस तरह आइसक्रीम कोन की लोकप्रियता होने में देर नहीं लगी। बात करते हैं आइसक्रीम की खोज किसने की। दोस्तों, निश्चित तौर पर एक खोजकर्ता का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह पुराने समय से ही बर्फ में या दूध में फल मिलाकर उससे क्रीम या पेय बनाया जाता था। पर 7वीं शताब्दी में चीन के राजा तांग ने दूध या बर्फ को मिलाकर आइसक्रीम बनाने का तरीका निकाला। फिर चीन से आइसक्रीम यूरोप पहुंची और तरह तरह के रूपों में इटली और फ्रांस के राज दरबारों में पेश किए जाने लगी। कहा जाता है कि प्रसिद्ध विश्व यात्री मार्को पोलो जब लंबे समय तक चीन में रहने के बाद इटली लौटा, तो अपने साथ साथ आइसक्रीम तैयार करने की कला भी लेकर आया था। इस तरह देखते ही देखते आइसक्रीम दुनिया में दूसरे देशों में भी पहुंच गई। दोस्तों, तो आइसक्रीम नाम ही क्यों, इसका श्रेय भी अमेरिका को जाता है। पहले इसे आइस्ड क्रीम यानी ठंडी की गई क्रीम कहा जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका नाम भी आइसक्रीम हो गया। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो तो कब कैसे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।